अभी आपके ऑडियंस को पता नहीं है। चुप रहिए आप। ओ भाई साहब, पीछे व्यू देखो, है वो वाटरफॉल। पेट भर गया था पर मैं दो बैग लेके भाग रहा था। ठीक है, समझे मेरा। इतना भाग के आए फिर भी हमारी ट्रेन मिस हो गई। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Hello everyone, welcome to my new vlog. So today is the next day. बहुत disturbance है। हम लोग लूजर्न से निकल के इंटरलाकन जा रहे हैं, ये देखो। जो हमारा ट्रेन स्टेशन है वो थोड़ी दूर पे है, 800 meters, तो इसलिए हमने सोचा पैदल ही चलते हैं। सो इंटरलाकन में हमारा 3 nights का स्टे है, तो काफ़ी बड़ा स्टे होने वाला है वहाँ पे, तो खूब मजे करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज का जो स्केड्यूल है वो है लेक ब्रिंस की क्रूज राइड हम करेंगे, बट देखते हैं प्लान कैसे वर्कआउट होता है। अभी तो हम ट्रेन पकड़ रहे हैं। हाँ, सामने स्टेशन, मतलब मुश्किल से 2-3 मिनट का ही रास्ता है स्टेशन तक का। आज मैंने पहनी है ये वाली ब्लैक ड्रेस, ये मैंने टर्की से ही ली थी अभी, तो सोचा यहाँ पे यूज किया जाए ड्रेस को, क्योंकि ज्यादा ठंड भी नहीं है। मतलब बारिश जैसे ही होती है वैसे ही ठंड बढ़ जाती है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो ये ड्रेस मैं पहन सकती थी इसीलिए मैंने पहन ली। गज्जू तो इवन टी शर्ट में ही घूम रहे हैं, देखो इतनी दूर चले गए वो। बहुत मज़े आने वाले हैं आज, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज इंटरलाकन जो है वो लूजर्न से भी ज़्यादा सुंदर है। एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर सपोज आप स्विट्ज़रलैंड या फिर कहीं भी यूरोप में जा रहे हो, तो आप जो इंस्टेंट हमारे पैकेट्स होते हैं जो हल्दीराम से मिलते हैं वो आप लेके जाओ, बहुत सही रहता है और अपन को सस्ता भी पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे हर एक मील आपकी जो प्रॉपर मील जिसे बोलते हैं वो 3000 से 5000 6000 तक जाती है। तो हमने क्या किया था, बहुत सारे पैकेट्स रख लिए थे हल्दीराम के, पाव भाजी, मैगी, कढ़ी चावल, छोले चावल, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं वो, क्या बताओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी। बस उनको गर्म करना होता है या फिर पानी ऐड करना होता है, एंड देन यू कैन ईट, तो वो ज़रूर ज़रूर लेके आना। ये देखो यहाँ पे हम लोग भी ऐसे जा रहे हैं, ये लोग भी ऐसे जा रहे हैं, सब लोग ऐसे ही जाते हैं, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है यार। कैब अगर करेंगे तो अच्छे खासे इतनी सी डिस्टेंस के ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, दैट इज़ द रीज़न, ऐसे ही जाना। इतना भाग के आए फिर भी हमारी ट्रेन मिस हो गई, अभी 1 घंटे बाद है ट्रेन। ओ गॉड, गज्जू तो 2-2 बैग लेके आए बक बक के। बैठ गए हैं ट्रेन में। दिस इज द ट्रेन, दिस इज द ट्रेन। हेलो, ओके, हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। फाइनली सीट्स पे बैठ गए। पाव भाजी से पेट नहीं भरा क्या आपका? पेट भर गया था पर मैं 2 बैग लेके भाग रहा था। ठीक है, बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। चॉकलेट, चॉकलेट निकाल के खा रहे हैं। पेट भर गया। मेरी है ये, आप अपनी लीजिए। हाँ, 2 लूंगा पहले। ले लो। नेवर ले लो, कैमरे में बोल रही है, इतनी बड़ी वाली है ना, गजब बेइज्जती है। अभी आपके ऑडियंस को पता नहीं है। चुप रहिए आप। खाली जी बेबी, दूसरी भी खाली जी, लास्ट बची है। इतना तो ठूस के आई हैं आप, 4-4 रोटियां। उसके बाद ही भूख लग रही है। ये तो मीठा है। व्यू दिखा दो। एक्साइटेड है आप इंटरलाकन के लिए? व्यू दिखा दो।
मैं तो बोर हो गया हूँ, मुझे अब वहाँ जाना है यार, किसी और कंट्री में। स्विट्जरलैंड से बोर हो गया हूँ। अच्छा, दूसरी भी खा ली है इन्होंने, देखो हमारा होटल ये रहा पीछे, मतलब ओ गॉड, और ये रहा स्टेशन जो सामने उसके, एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ, अदरवाइज बैग ड्रॉप करके अपन चल लेंगे। चेक इन 3 बजे का है और अभी बज रहा है आई थिंक 12, तो हम बैग ड्रॉप करके फिर हम निकल जाएंगे घूमने के लिए। हमारा होटल और क्या व्यू है सुंदर, पहाड़ के बीच में एकदम। ओह प्रिटी प्रिटी, ये रेस्टोरेंट है इधर, हमारा लेक व्यू है सर। हाँ लेक व्यू, ओ अच्छा वो रही लेक के। अच्छा यहाँ पे भी मुझे लग रहा है बोटिंग हो रही है, है ना? प्यारी जगह, चिड़ियों की आवाज आ रही है, सुनो आप ये देखो, वाव ब्यूटी ब्यूटी, बड़े गज्जू। और ओ माय गॉड कलर देखो लेक का, वाव सो प्रिटी, ओ इट्स ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, कितनी प्यारी जगह है यार, है ना? बहुत सुंदर जगह है ये, जगह मुझे पसंद है एकदम, पहाड़ों में है ना, बहुत अच्छी है। हाँ होटल भी अच्छी जगह है, सामने रेलवे स्टेशन है। हाँ ये रहा होटल, अच्छा वो तो उसके लिए है माउंटेन के लिए। अच्छा माउंटेन के लिए फेरीज? हाँ फेरी, उसके बाद वो गिंडोला राइड, उसके बाद माउंटेन। अभी हम लोग आए हैं कुछ खाने के लिए, गज्जू को वापस से भूख लग गई है तो ये जगह है रेस्टोरेंट, देखो बहुत क्यूट सा कैफे है यहाँ पे, जस्ट होटल ये रहा हमारा उसके सामने ही। हमने मंगाया है क्रोसा, चीज सैंडविच, 2 कैपेचिनो बिकॉज ठंडी है, और बस यहाँ से देखो कितना अमेजिंग व्यू है, वाव ये रही गज्जू, आराम से बैठना। क्रूज में जाएंगे हम मस्त एकदम बड़ा सा। तो हम लोग जा रहे हैं क्रूज राइड के लिए, और स्विस पास की वजह से हमारा जो ये वाला ट्रिप है वो फ्री है। देखो कितना प्यारा है, थक गए। हाँ, भाई साहब पीछे व्यू देखो अमेजिंग। बेबी यहाँ खड़े हो, आपकी फोटो खींचो। मेरी अच्छी नहीं आ रही है। क्यों अच्छी आ रही है यार? सही है सही है। सो हम लोग क्रूज से उतर गए थे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए हैं, कोई तो स्टेशन है या पता नहीं क्या नाम है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एक वाटरफॉल के लिए, बहुत ही अच्छा बीटस करके वाटरफॉल है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है इमेजेस वगैरह में। तो अब हम वहाँ जाएंगे, बिकॉज क्रूज राइड हो गया था इसीलिए हमने वो बीच में ही छोड़ दिया, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा था, बिकॉज एक तो भीड़ थी, लोग बहुत थे उस पर, मतलब फिर 15 मिनट हो गया बस हम एनी विच वेज उल्टी साइड जा रहे थे, तो उससे अच्छा हमने सोचा एक और डेस्टिनेशन कवर कर लें,
क्योंकि वो पूरा 3 घंटे का क्रूज था, तो इसीलिए हम बीच में उतर गए हैं, यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं। यहाँ से फिर जो डेस्टिनेशन है हमारी वहां जाएंगे, बीटस वाटरफॉल। लोग आए हैं इंटरलाकन से, ये जो 3rd नंबर पे है वहाँ पे, एंड वहाँ से वॉक इन है बीटस वाटरफॉल। है वो वाटरफॉल, बहुत सुंदर। व्यू देखो यहाँ से, वाओ प्रिटी। पूरा वाटरफॉल इतनी ऊपर से आ रहा है और यहाँ से नीचे, अरे अरे क्या हुआ? आई आपकी फोटो यहाँ पे। ओके ले लो, कितने की है? ये होगी 4 मैग्नम 4 वाइट। आइसक्रीम खा रहे हैं हम, ये वाली देखो, वाओ सुंदर, सो प्रिटी। सांस फूल गई खड़ी चढ़ाई है ना, एकदम बढ़िया है। यहाँ पे ना केव्स हैं बहुत सारी, ये तो वाटरफॉल है बीटस वाटरफॉल, और ये वाला, और अंदर केव्स हैं, तो मज़ा आएगा देखने में। तो आपको टिकट्स मिल जाएंगी। आवाज़ कितनी तेज आ रही है झरने की, माय गॉड ब्यूटीफुल।